कस्बा तरावड़ी में एक युवती के कोरोना पॉजिटिव की खबर ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। कोरोना से पीड़ित युवती कुरुक्षेत्र के अस्पताल में दाखिल है। युवती के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि तरावड़ी अस्पताल के डॉक्टर ने की है। तरावड़ी में कोरोना पॉजिटिव का यह पहला केस है। फिलहाल कोरोना से पीड़ित युवती के घर वालों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। घर के 8 लोगों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। खबर की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। कोरोना की पुष्टि हो जाने के बाद तरावड़ी के आधे क्षेत्र को फिर से सैनिटाइज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर में जांच कर रही है। जिस स्टोर में युवती काम करती थी उसे सील कर दिया गया है। कोरोना पीड़ित युवती जिस क्षेत्र में रहती थी उसे भी सील कर दिया गया है। डीएसपी और तरावड़ी थाना पुलिस अब फ्लैग मार्च की तैयारी में दिख रही है। कोरोना संक्रमण का मामला सामने आ जाने के बाद तरावड़ी पुलिस अब सख्ती दिखा सकती है। आपसे भी समाचार एक्सप्रेस आग्रह करता है कि आप अपने घर में रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अब आपको दिखाते हैं तरावड़ी से कोरोना मामले की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जिस समय प्रशासन और पुलिस मौके पर आए हुए थे तो समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला मौके पर पहुंचे। आप भी देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। नगर पालिका के सचिव बलबीर जी ने हमें पहले बताया था कि तरावड़ी में पूरा सैनिटाइज किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों को ये लगता है कि उनका घर सैनिटाइज नहीं हुआ है बाहर, वो नगर पालिका में सूचना देकर अपने घर को दोबारा से सैनिटाइज कर सकते हैं। और ये दवाई का छिड़काव है, इस घर सैनिटाइज खत्म हो जाने के बाद है ऊपर तरह से आप ये सोचिए कि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और ये नगर पालिका के जो कर्मचारी विनोद बारचल और उनके एक साथी हो रहे हैं, आपका क्या नाम है? दीपक जी। दीपक जी, कितने घरों को कर चुके आप? तकरीबन जितने भी वार्ड है तरावड़ी के अंदर उन सभी को सैनिटाइजर किया गया है और शाम को फॉगिंग भी कर रहे हैं जिससे बीमारी कंट्रोल हो सके, इससे हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जितने भी हो सके अपने अपने घर में रहे और सभी जो जैसे कि इस बीमारी से बचने के लिए रुमाल मास्क वगैरह होते हैं इससे ढक के रखें जिससे बीमारी कंट्रोल हो सके। ठीक है, आपका क्या नाम है? विनोद। आप विनोद जी, कितने दिनों से आप कितने घरों को किया जा चुका है? सारे ही जितने वार्ड हैं सब में ही कर दिया जी। सैनिटाइज भी साथ के साथ चल रहे जी, टॉकिंग भी चल रही है, साथ के साथ सफाई भी। आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन सेवा करते हुए आनंद आ रहा है। सेवा करने में बहुत आनंद आ रहा है जी और सेवा करते ही रहेंगे। आपका क्या नाम है? लाला राम। आप इसी टीम में? बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले? तो आप भी सैनिटाइज? कोई डर खतरा तो नहीं लगता? खतरे जिससे खतरे से घबरा नहीं रहे, खतरों के खिलाड़ी बन रहे इस टाइम तो पूरे। देखिए, आप इन्हें सैल्यूट कीजिए। नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपने परिवार से दूर अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोगों के घरों को, और देखिए ये कहते हैं जी हम खतरों के खिलाड़ी हैं, आपको तालियां बजानी चाहिए, इनका अभिवादन करना चाहिए। दूसरे शहरों में आपने जैसे देखा कि जो लोगों ने जो है नोटों की मालाएँ डालकर, फूलों की मालाएँ डालकर जो उनके मल्लों में आने वाले सफाई कर्मचारी थे उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। आप भी इन ऐसे कर्मचारियों का आप स्वागत कीजिए, इनका अभिनंदन कीजिए, इन्हें फूल मालाएं डालिए, क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में डालकर ये आपके नगर को, आपके घर को साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। कैमरामैन साहिल जुनेजा के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, तरावड़ी, जिला करनाल। वैसे आप सिर्फ इतनी जानकारी दे दीजिए कि इस क्षेत्र में क्या कुछ किया गया है। सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर निपुण कल्ल है। आज एक यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव केस फॉर्म में मिला है जी, मानसी नाम की लड़की जी। तो अभी उनके फैमिली के हमने यहाँ से जो है उनको एम्बुलेंस हमारे करनाल कल्पना चावला के लिए उनके टेस्टिंग के लिए जी, और हम जो है घर घर जाके सबको सर्वे कर रहे हैं और उसमें से हम कोई सस्पेक्ट है, कोई ऐसा लगता है जिसमें कोरोना के सिम्टम्स हो उनको हम जो होते हैं घर घर जाके। अभी 14 डेज हमारी टीम यही पुलिस, हमने सारे पुलिस को बता दिया कौन कौन से जो है पॉइंट सारे सील करने जी, और कमेटी वाला वो अपना काम सैनिटाइजेशन का कर रहे हैं। अब हम 14 डेज हमारी टीम घर घर जाके ये सर्वे करेंगे, किसी को कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम घर में ट्रीट, और साथ में कोई अगर हमें लगेगा, कोई हमें सस्पेक्ट लगेगा कि इसमें कोरोना वायरस का हो सकते हैं कोई, तो पॉजिटिव हम उसको जो है फिर आगे जो यहाँ से जो है करना चाहूँगा।
टेस्टिंग के लिए भेजे। रावड़ी की आबादी डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा है, ऐसे में आपकी स्वास्थ्य विभाग की टीम में कितने लोग होंगे या कितनी टीमें होंगी जो घर घर जाकर लोगों को चेक कर पाएंगी? अभी जो हमें जो करना है इसके वन किलो हमें जो काम करना है इसके वन स्क्वायर किलोमीटर एक किलोमीटर के अंदर के एरिया में हमें ये काम करना है जिसको ठीक है जी। तो उसको अभी ये PWD डिपार्टमेंट वाले आ गए हैं, ये रास्ते सील कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस आ गई है, पुलिस वाले जगह जगह बैठ गए। अब हेल्प अभी हमने हर एक टीम ने तकरीबन 250 घर हर एक ने जो है करे, हम उनकी थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, सबसे हिस्ट्री ले रहे हैं, खांसी बुखार कोई है, ट्रैवल हिस्ट्री जैसे हमें दो दिन अभी भी मिले हैं यहाँ पे, तो हम उन सबको जो एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये पॉजिटिव की पुष्टि जो है युवती को कब हुई? ये आज ही पुष्टि आज ही हुई है, आज ही मानसी की जो है इसकी आज ही हुई है। कहाँ करनाल दाखिल थी कुरुक्षेत्र? नहीं, ये कुरुक्षेत्र दाखिल थी, वहाँ से इसके सैंपल किया गया, वहाँ से पॉजिटिव आया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी करनाल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, फिर वहाँ से की बात थी। मैं डॉक्टर साहब आप कहाँ करना था? मैं CHC था। ये डॉक्टर साहब थे CHC त्रावड़ी में तैनात हैं और इन्होंने युवती के बारे में बताया कि उसे कुरुक्षेत्र एडमिट कराया गया था और इन्होंने डॉक्टर साहब ने पुष्टि की है कि उसे कोरोना पॉजिटिव आया। इसके बाद आप खुद देखिए कि स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी टीम जिनमें महिला डॉक्टर भी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी महिलाएं जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। अब डॉक्टर साहब ने डॉक्टर निपुण ने निर्देश दे दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करेगी और जो भी सस्पेक्टेड केस मिलेगा या कहीं उन्हें शंका होगी तो उस घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। कैमरामैन साहिल जुनेजा के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, करनाली गेट, त्रावड़ी, जिला करनाल। त्रावड़ी में SHO के अलावा भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो नई एक सूचना जो हमें मिली वो ये मिली कि घर के अंदर 8 लोगों को अस्पताल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया करनाल, शायद उनका टेस्ट होगा और उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई हुई है और पूरे मोहल्ले के लोगों को चेक किया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसी को खांसी या बुखार तो नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो निरंतर लोगों की चेकिंग कर रही है, उनके स्वास्थ्य की चेकिंग की जा रही है। देख लीजिए जो नगर पालिका त्रावड़ी के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख लीजिए ये जो मशीन है सैनिटाइज, इससे सैनिटाइज किया जा रहा है, इन्होंने सैनिटाइज किया, लेकिन पूरी जो जानकारी है बड़े अधिकारी ही दे पाएंगे, अभी बाइट आना बाकी है। तो ये त्रावड़ी में एक नई हलचल, जो नई खबर आई है, समाचार एक्सप्रेस ने कल ही त्रावड़ी का ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको खबर बताई थी और आज ये नई खबर जो लोगों में घबराहट पैदा कर देने वाली है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको घर में रहने की जरूरत है। अभी तक कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे थे, बड़े हल्के में ले रहे थे और प्रशासन की बातों पर अमल नहीं कर रहे थे, जबकि स्थानीय प्रशासन भी बार बार अवेयरनेस कर रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जब सुबह 8 से 10 बजे दुकान और सब्जी मंडी का टाइम होता है, जब दूध खरीदने का समय होता है, सब्जी खरीदने का समय होता है, किराना स्टोर से सामान लेने का, उस समय यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमने कल आपको एक दुकान दिखाई थी जिसमें करीब 10 से 15 लोग एक ही दुकान के बाहर खड़े थे और तो दुकानदार भी उन्हें हटा नहीं पा रहे थे। तो शायद यही वजह है कि यहाँ संदिग्ध कोरोना की से एक संलिप्त युवती का पता चला है। उसके बाद घर के 8 लोगों को उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की टीम ने उन्हें मेडिकल कॉलेज करनाल में पहुंचा दिया, उनका टेस्ट किया जाएगा और उनकी भी रिपोर्ट जानने की प्रयास किए। उसके अलावा दुकानदार तो यही बता रहे हैं कि युवती जो है 25 दिन पहले यहाँ काम करती थी, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई भी वो हल्कापन नहीं दिखाया, प्रशासन ने और दुकान को अब सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवती कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में दाखिल है। अब उसके घर वालों की क्या रिपोर्ट आएगी ये अब बात की बात होगी। फिलहाल इतनी ही जानकारी समाचार एक्सप्रेस के पास। कैमरामैन साहिल जुनेजा के साथ हरीश चावला,
समाचार एक्सप्रेस। देख लीजिए स्थानीय नगर पालिका प्रशासन जो है मूल चंद स्टोर, आप ध्यान से देख लीजिए, ये बिल्कुल करनाली गेट के बाहर एक बहुत बड़ा एक किरियाने का स्टोर है, किरियाना से लेकर मनियारी आधा मनियारी तक का सारा सामान मिलता है और नगर पालिका प्रशासन अब इस स्टोर को सील कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि पुलिस विभाग की टीम अब लगातार सक्रिय हो गई है, त्रावड़ी में इस तरह का मामला आने के बाद, संदिग्ध मामला आ जाने के बाद पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और पुलिस की गश्त अब त्रावड़ी शहर के भीतर इस तरह के नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पर पुलिस विभाग की दुकान को सील करने में जुटे हुए हैं और ये एक नोटिस तैयार किया जा रहा है, आप देख लीजिए नगर पालिका के कर्मचारी हैं, नोटिस तैयार किया जाएगा और इसके बाद इसे चस्पा दिया जाएगा। कैमरामैन साहिब जुमजा के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस। ये कितने क्षेत्र को सचिव जी सैनिटाइज किया गया? ये अभी प्रणाली के सारे को सैनिटाइज किया गया है, चल रहा है। इसके अलावा कहाँ का किया हो? पूरा शहर एक बार हम कर चुके हैं। अच्छा। और कपड़े पंपों हमारे चार बोल रहे हैं और पार्टी गाड़ी कर दीजिए, ये काम हमारा निरंतर जारी है। जैसा कि सचिव बलबीर जी ने बताया कि पूरे शहर को इस बार किया जा चुका है और दोबारा भी इसको करेंगे, ये भी आप देख लीजिए लगातार सैनिटाइज हर दुकान को बाहर। ये जो एरिया मैंने आपको कल भी दिखाया था समाचार एक्सप्रेस पर, हमने ग्राउंड जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग की थी और हमने आपको ये बताया था कि किस कैसे कितने लोगों की भीड़ यहाँ जुटी हुई है और आज भी, और ये आज जो है कोरोना की जो आज ये रिपोर्ट जो सामने आई है संदिग्ध युवती की, इस रूप से बताया जा रहा है कि नई खबर आई है उसे कुरुक्षेत्र के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था और सूचना भी मिली है कि शायद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी पुख्ता किसी भी अधिकारी ने या पुलिस के अधिकारी ने या तहसीलदार या SDM ने हमें इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि शायद वह पॉजिटिव आई है। इसके बाद इस सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम दोपहर बाद त्रावड़ी पहुंच गई थी जहां पूरे क्षेत्र को अब सील कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा इलाका सैनिटाइज, ये जो इस गली के अंदर एक किरियाने की बहुत बड़ी दुकान है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको और उस बताया जा रहा है कि वो उसमें कार्यरत थी वो लड़की और उसके बाद अब जिस दुकान पर लगी थी उनके घर के लोगों को भी शायद चेक किया जाएगा, उन्हें भी अभी तो फिलहाल उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा जो मैंने मतलब आपको पहले दिखाया था उसे भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है, अब उस क्षेत्र के लोग नहीं निकल पाएंगे। तीन नाके लगाए थे क्योंकि वहाँ जो तीन जो स्थान हैं, तीन गलियाँ लगती हैं जो उन्हें नाका जहाँ लोग निकल सकते थे बाहर आ सकते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल लोग, अब इसको भी देख लीजिए यहाँ भी लॉक किया जा रहा है, इसे भी पूरी तरह से लॉक किया जाएगा और यहाँ से भी अब लोग जो है घर के ना तो इधर आ सकेंगे और ना ही बाहर जा सकेंगे। कैमरा पर्सन मोहित पोपली के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, त्रावड़ी करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.